आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। इसकी रेसिपी हम आपको शेयर करेंगे। देखिए ये आलू तो वो है पराठा। हमारा आलू का पराठा रेडी। तो मैं हूँ सॉस। ये सॉस, ये काली चटनी। हाँ, काली चटनी का क्या है? ये अंदर वो जो होता है ना धनिया उनिया, ये वो या फिर मैं खून निकाल के लाल चटनी बना लूँगी। देखियो हम आलू बने रख रहे हैं। हम बना रहे हैं आलू के पराठे। बन रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे आलू उबल चुके हैं। अब हम इन्हें छीलेंगे पनीर में। हम लेते हैं आटा। हमने डाल दी थोड़ी नमक, ठीक है? पहले मल लेते हैं आटा, फिर छीलेंगे आलू पनीर में। प्लीज, अब हमने आटा मल दिया है, हम छीलते हैं इसे। डाल देते हैं थोड़ी रेस्ट के लिए। अब छीलते हैं आलू। अब छीलते हैं आलू। तो हम देखिए आलू छील कर फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाला। देखिए गरम मसाला, धनिया मसाला, मिर्ची। नमक स्वाद अनुसार। अब समोसे को मिक्स करके बनाएंगे पराठे। मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालिए। डालते हैं चाट मसाला। चाट मसाला अब मिक्स करते हैं। देखिए मिक्स कर लिए अच्छे से। अब बनाते हैं पराठे। वीडियो भी हमें बनानी पड़ रही, काम भी हमें करना। सॉरी, अब हम बनाते हैं, जब फिर आपको दिखाते हैं बेलने पहले। चलते हैं बेलते हैं। अब हम लेते हैं पराठा। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो देखिए हमारा आलू का पराठा बेल कर रेडी है। अब लगाएंगे इसमें ऑयल। तो फ्रेंड्स, हमारा आलू को पराठा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।
रेडी हमारा आलू का पराठा बनकर। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगता है हमारी रेसिपी कमेंट में जरूर बताना। हमने इसमें सारे मसाले बनाए थे, गर्म मसाला, धनिया मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक और आमचूर पाउडर, मतलब चाट मसाला, दोनों में से कुछ भी। देखिए हमारा पराठे का कलर एकदम मस्त है। दही के साथ फ्रेंड्स आज ये आप भी खाने आलू का पराठा। ओके फ्रेंड्स सब आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। देखिए हमारा आलू का पराठा बनकर रेडी है। तो अभी हमने दही खोली है, आप दही के साथ खाइए, चाट के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए। तो हम भी लोग का एंड करते हैं। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब चैनल सपोर्ट। बाय बाय। पराठे बना लेते हैं, बने रहे। तो हम ऐसे सारे पराठे बना लेते हैं, तो आप बने रहे। देखिए तो कैसे का बताइए, दही तो लगा लो भाई साहब। मैंने कब इसकी काबिलियत पे शक किया है, बस इसके भाई भाभी इसे ताने मारते रहते हैं। दही तो टेस्ट करो एक बार। दही बहुत सारी उधार में दही ओ कितनी सी इतनी बहुत है। गरीब यार कैसे निकल पाएगी, गरीब बोले तो बहुत है। कि डीएम सर से बात हो गई है, शाम 4 बजे के बाद प्रैक्टिस की इजाजत मिली है। अब सुबह 9 से 4 डीएम ऑफिस और फिर आजकल का माहौल बहुत ज्यादा है ना, नीरज से नहीं डरती।